नमस्कार, मैं सारिका श्रीवास्तव, स्वागत है आपका INN 24 में। बढ़ते हैं खबरों की ओर। महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष बरखा सिंह द्वारा महिला पार्षद के साथ की गई बदतमीजी के खिलाफ नगर निगम के सभापति सहित दर्जन भर से अधिक पार्षदों ने मोर्चा खोल दिया है। सोमवार की दोपहर नगर निगम स्थित सभापति के कैबिन में किसी बात को लेकर महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष ने वार्ड पार्षद संजना शर्मा के साथ बेहद अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए जमकर गाली गलौज की। सभापति के कैबिन में ही महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने न केवल अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया बल्कि महिला पार्षद के साथ हाथापाई पर उतर आई। बीच बचाव करने आए सभापति को भी जिला अध्यक्ष ने झिझोड़ दिया। वीडियो को हमने म्यूट कर दिया है क्योंकि बरखा सिंह के शब्द बेहद अश्लील है, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह सभापति बरखा सिंह को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बेहद भद्दी और अश्लीलता की हद पार करती हुई भाषा का प्रयोग एक जनप्रतिनिधि के लिए किया गया है, वो भी एक राष्ट्रीय पार्टी की पदाधिकारी द्वारा। ऐसे में ये सवाल उठता है कि ऐसे हालात में क्या कोई संभ्रांत परिवार की महिला कांग्रेस परिवार से जुड़ना चाहेंगी। रायगढ़ महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष के खिलाफ महिला कांग्रेस की एक और कार्यकर्ता ने गंभीर आरोप लगाया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने मामले को दबा दिया। लेकिन जिला अध्यक्ष को हटाए जाने की मांग करते हुए महिला कांग्रेस रायगढ़ की पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने कार्यालय आना छोड़ दिया है। बहरहाल पार्षद संजना शर्मा के समर्थन में आए पार्षद व सभापति की जिला अध्यक्ष अनिल शुक्ला के सर्च जिला कांग्रेस कार्यालय में बैठक जारी है। वहीं पार्षद संजना शर्मा कार्यवाही नहीं होने की स्थिति में कांग्रेस से इस्तीफा देने की बात कह रही है। मैं तो साफ बोलती हूँ कि मेरे को अब कांग्रेस से भी नहीं रहना, मैं इस्तीफा दूंगी कांग्रेस से। और अगर इस टाइप का मतलब कांग्रेस की हो के और हमारे साथ अगर हम भी तो कांग्रेस के और हमारे साथ इस टाइप का गंदा व्यवहार करेगी तो इसी को मैं नहीं रह सकती और मैं कांग्रेस से इस्तीफा दूंगी। हाँ मैं, और जब हो रहा था उस टाइम सभापति थे प्रभात साहू पार्षद थे, मेरी भैया थे और नत्थू भैया भी थे। अगर नत्थू भैया और जैन भैया नहीं पकड़ते तो वो तो मेरे साथ कुछ भी कर सकती थी बरखा सिंह, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मैं यहाँ। अब आप क्या चाहते? मैं अपने विधायक जी से एक बार उनसे चर्चा करूँगी और मैं चाहती हूँ कि अगर वो रहेगी तो हम तो नहीं रहेंगे। उच्च पदाधिकारियों से निर्देश लेकर उसमें कार्रवाई करेंगे। वीडियो भी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में लगातार, वीडियो में अश्लील शब्द गाली गलौज का प्रयोग किया गया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? अभी तक तो मुझे कोई वीडियो प्राप्त नहीं हुआ है और जैसे ही मेरे संज्ञान में आएगा इसमें हमारे वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करके माननीय विधायक जी से और प्रदेश अध्यक्ष हमारे महामंत्री और महिला कांग्रेस की अध्यक्ष और इसमें जो जिनके विरुद्ध शिकायत की गई है उनसे भी हम उनका पक्ष जानेंगे और उसके बाद हम अपना पक्ष इसमें रखेंगे। जब संजना अपने बात लेके मेरे चैम्बर में बैठी हुई थी, चर्चा कर रही थी, उसी दरमियान महिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं बरखा सिंह, उनके द्वारा आके सीधा संजना शर्मा के ऊपर आके गाली गलौज करना और वो भी मेरे चैम्बर में मुझे आके बोलती तो मैं निराकरण करवाने में भिड़ता, लेकिन ऐसा करना एक अशोभनीय कृत्य के अंतर्गत आता है।